हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम सीखेंगे एमएस वर्ड में कैलेंडर मंथ कैसे बनाएं। तो कैलेंडर मंथ बनाने के लिए सबसे पहले हमें इंसर्ट टैब पे जाना है। इंसर्ट टैब पे जाने के बाद हमें टेबल में जाना है। टेबल में जाने के बाद हमें एक टेबल इंसर्ट करनी है। तो हमें टेबल इंसर्ट करनी है 7 कॉलम और 7 रो की। आप यहां से इंसर्ट कर सकते हैं, अगर यहां से ना चाहें तो आपको यहां पे एक और ऑप्शन मिलता है इंसर्ट टेबल का। तो इंसर्ट टेबल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा, जिसमें आपको नंबर्स ऑफ कॉलम का एक ऑप्शन मिलता है और एक नंबर ऑफ रो का। तो नंबर्स ऑफ कॉलम्स में हमें 7 प्रेस करना है और नंबर्स ऑफ रो में भी 7 ही लेने हैं। तो हमें 7 कॉलम और 7 रो ही लेने थे, इसलिए हमने यहाँ पे 7 और 7 प्रेस कर दिया है। आप जितने कॉलम और रो लेना चाहें उतने प्रेस कर सकते हैं, आपको उतने ही रो और कॉलम्स की टेबल मिल जाएगी। तो यहाँ पे जैसे ही हम ओके करेंगे यहाँ पे आपकी टेबल आ गई है। तो टेबल इंसर्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे ऊपर कॉर्नर पे एक प्लस एरो का सिंबल मिलता है। प्लस एरो से हम क्लिक करके टेबल को मूव कर सकते हैं कहीं भी, और उसी यहीं पे आपको एक वाइट पॉइंट मिलेगा नीचे कॉर्नर पे, इससे हम टेबल को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद हमें सबसे पहले वाली रो को मर्ज करना है और इसमें हमें मंथ का नाम देना है। तो उसके लिए हमें लेआउट पे जाना है और ये ऊपर वाली रो सेलेक्ट करनी है पूरी। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको एक कमांड मिलेगा मर्ज सेल का, तो हमें इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे सारी सेल मिलके एक सेल बन गई है। तो उसके बाद हमें इसमें अलाइनमेंट सेट करना है, बीचों बीच में हमें लिखना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे लेआउट में ही टेबल का अलाइनमेंट मिलता है, तो हम यहाँ से सेंटर अलाइनमेंट सेट कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमें बीचों बीच में आपका कर्सर आ जाएगा। फिर हमें यहाँ पे टाइप करना है अपने मंथ का नाम। तो मंथ का नाम आप जो चाहें वो टाइप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमने मंथ का नाम टाइप कर दिया है और यहाँ पे हमें इसे थोड़ा सा बड़ा, साइज़ बड़ा करना है और इसे हल्का बोल्ड भी करना है। तो आप देखेंगे इस तरह से हमारा मंथ का नाम लिख गया है। उसके बाद हमें यहाँ पे नीचे, उसके नीचे वाली रो में पहले पूरी टेबल सेलेक्ट करके अलाइनमेंट सेट करना है। तो अलाइनमेंट सेट करने के लिए पूरी टेबल सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद लेआउट पे जाएंगे। लेआउट पे जाने के बाद यहाँ पे आपको अलाइनमेंट मिलेंगे, तो फिर से हमें सेंटर अलाइनमेंट ही सेट करना है। तो आप देखेंगे पूरी टेबल में आपका सेंटर अलाइनमेंट सेट हो गया है। उसके बाद हमें यहाँ पे दिन के नाम लिखने हैं, जैसे संडे, उसके बाद यहाँ पे मंडे हो गया, फिर ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, थर्सडे हो गया, और ये फ्राइडे हो गया, और सैटरडे। उसके बाद हमें यहाँ पे नीचे डेट डालनी है, 1, 2, 3, ऐसे ही हमें पूरी डेट फिल कर लेनी है। 31 हमारा जनवरी का मंथ 31 का होता है, तो यहाँ पे हम लोग 31 तक टाइप कर देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे इसको संडे मंडे जो हम लोगों ने दिनों के नाम लिखे थे उसको होम से बोल्ड कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे अपने जो भी ये हम लोगों ने डेट लिखी थी इसको भी बोल्ड कर देंगे और इसको। फिर उसके बाद हमें टेबल में कलर डालना है अपने कैलेंडर में, उसके लिए हमें डिज़ाइन पर जाना है। डिज़ाइन पर जाने के बाद हमें जिस भी सेल में कलर डालना है उस पर क्लिक करना है, कर्सर लाना है, शेडिंग पे जाना है। शेडिंग पे जाने के बाद आप जो कलर चाहें वो कलर ले सकते हैं यहाँ से। तो हमने येलो कलर लिया है, तो इसमें भी इसका वर्ड का कलर भी चेंज होना चाहिए। वर्ड का कलर चेंज करने के लिए हमें होम पे जाना है और यहाँ पे आपको टेक्स्ट फॉन्ट कलर मिलेगा। फॉन्ट कलर पे जाने के बाद हमें यहाँ पे रेड ले लेना है।
उसके बाद यहाँ पे संडे मंडे की रो मिलेगी आपको। इसमें भी आपको आप जो चाहें वो कलर डाल सकते हैं। डिज़ाइन पे जाएंगे, शेडिंग पे जाएंगे, यहाँ पे मैं ग्रीन लिए ले रहा हूँ। उसके बाद हमें कैलेंडर अपना कलर करना है, तो संडे आपका हमेशा रेडी होता है, तो डिज़ाइन पे जाके संडे वाला जो कॉलम है वो हम रेड कर देंगे, और इसमें जो फॉन्ट लिखा हुआ है टेक्स्ट उसको हम होम पे जाके वाइट कर देंगे। फिर कभी कभी बीच में कैलेंडर में कभी कभी त्यौहार की छुट्टी होती है, उसके लिए भी हमें बीच के सेल रेड करने हैं। उससे पहले हमें पूरे कैलेंडर का कलर सेट कर लेना है। उसके लिए एक कैलेंडर सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद शेडिंग पे गए, डिज़ाइन पे गए, शेडिंग पे गए, और अपने अकॉर्डिंग जो आपको ठीक लगे वो आप कलर ले सकते हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद छुट्टियों वाले सेल आपको रेड करने हैं, तो बस सेल में क्लिक करना है, शेडिंग पे जाना है और रेड कलर पे क्लिक करना है। आप जहाँ चाहें वहाँ रेड कर सकते हैं, बस आपको अपना कर्सर लेके जाना है और शेडिंग पे जाके रेड कलर दे देना है। तो आप देखेंगे आपका कैलेंडर मंथ बनके तैयार हो गया है। आप यहाँ से ए प्रिंट प्रीव्यू करके भी देख सकते हैं जी।